नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भागदौड़ की जिंदगी में तनाव की कब एंट्री हो जाती है पता भी नहीं चलता, और यही वजह है कि दुनिया भर में हर आठवां व्यक्ति और भारत में करीब 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं। यह हालात बेशक चिंताजनक हैं। ऐसे में आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर इसी पर बात करेंगे। एक्सपर्ट से तनाव से निपटने के कारगर उपायों पर चर्चा करेंगे, साथ ही मेंटल हेल्थ को कितना सीरियसली ले रहे हैं हम, इस पर भी होगी बात एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बच्चों और यूथ में पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन को लेकर तनाव, नौकरी पेशा लोगों में काम का प्रेशर, किसी को पैसे का तो किसी को पारिवारिक वजहों से तनाव। लेकिन सवाल उठता है कि हम ये तनाव पालते ही क्यों हैं? दरअसल ये तनाव उस बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो ना चाहते हुए भी लोगों की जिंदगी में एंट्री मार देता है। यही वजह है कि दुनिया का हर आठवां व्यक्ति मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है। भारत में भी 15 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ की समस्या की गिरफ्त में हैं। चिंता यही नहीं रुकती, असल चिंता तो यह है कि भारत में मानसिक बीमारी को लोग बीमारी के तौर पर लेते ही नहीं हैं। WHO के माने तो भारत में 1 लाख की आबादी पर आत्महत्या करने वालों की संख्या 11 के करीब है, जिसकी एक बड़ी वजह मेंटल हेल्थ है। जब तनाव के लक्षण 3 से 6 हफ्तों तक बने रहते हैं तो यह अवसाद का रूप ले सकता है, और जब अवसाद ज्यादा बढ़ जाता है तो आत्महत्या तक के विचार मन में आने लगते हैं। खराब लाइफस्टाइल और नशा भी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने की बड़ी वजह है। वहीं बॉडी में विटामिन B12 की कमी डिप्रेशन की वजह हो सकती है। दरअसल विटामिन B12 बॉडी में सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को खुश रखता है, लेकिन जब सेरोटोनिन बनना कम हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मेंटल हेल्थ की समस्या को लेकर हम बहुत जागरूक नहीं हैं। 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में 46 के करीब सरकारी मेंटल हॉस्पिटल हैं। इनमें भी कईयों में संसाधनों की भारी कमी है। वहीं 4 लाख की आबादी पर सिर्फ 3 मनोचिकित्सक मौजूद हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इसे उदासीनता ही कहेंगे कि मेंटल हेल्थ से पीड़ित हर 10 मरीज में से केवल 1 मरीज ही डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, जो चिंता की बात है। इसके लक्षणों की बात करें तो खासकर जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, याददाश्त कमजोर होना, नकारात्मक विचार आना, अकेलापन, सिर में हमेशा दर्द रहने की शिकायत होने जैसे ऐसे कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसे इग्नोर करना घातक साबित हो सकता है। खासकर जब बच्चों के व्यवहार में इस तरह के बदलाव दिखे तो अलर्ट हो जाना चाहिए। बच्चों में प्रतिस्पर्धा और घर का माहौल तनाव की बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे में उनसे घुल मिलकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार पढ़ाई लिखाई को लेकर पेरेंट्स का बच्चों पर इतना प्रेशर होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को इससे बचना चाहिए। इसके बचने के उपाय की बात करें तो नियमित दिनचर्या, अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट के साथ साथ डेली एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने का सबसे बेहतर जरिया है। एक्सरसाइज से हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं। वहीं म्यूजिक सुनना भी तनाव और अवसाद को कम करने में मदद करता है। योग और मेडिटेशन भी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने का एक बड़ा हथियार है, जिनकी मदद से तनाव और अवसाद से दूरी बनाए रखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं मनस्थली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर हैं फीलिंग माइंड्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चीनू आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं रुबाइना सिंह, जानी मानी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। रुबाइना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति कपूर, में चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। काफ़ी सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ये जागरूकता सेरेमोनियल है, कागजी है, या लोगों ने अब वाकई में समझा है कि मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर हेल्थ एंड लाइफ? दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2023 पे ये मुद्दा उठाया है। थैंक यू। और आज का थीम भी है कि मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम अवेयरनेस की बात करते हैं, और हम ये समझ पा रहे हैं कि जागरूकता डेफिनेटली बढ़ी है। लेकिन अब बात यह है कि हाँ, हम सब मान रहे हैं कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ का एक मेजर हिस्सा है। इनफैक्ट तमाम बीमारियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन से और तनाव से जुड़ी होती हैं।
लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं वो वाला जो कंपोनेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आम धारणाएं जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं बदलती, पर धीरे धीरे ये चीज़ हमें जागरूकता आ रही है कि जैसे हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, डाइट अच्छी लेनी ज़रूरी है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह अपने मन को खुश रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना ज़रूरी है। पर साथ के साथ जब हमें परेशानी हो तो हम डॉक्टर के पास जा सकें, उनसे राय ले सकें और जो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ करके बेहतर हो सकें। वहाँ अभी भी कहीं ना कहीं रुकावट है, एक तरह का मेंटल ब्लॉक है और आई होप कि इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आप जब इन मुद्दों को उठाते हैं तो वो जागरूकता और वो एक्सेप्टेंस बढ़ती है और होपफुली वो आगे भी बढ़ती रहेगी। एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर चीनू, हम देख रहे हैं कि इसके सिर्फ एक इंडिविजुअल पे असर नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को अगर हमने एड्रेस नहीं किया, ठीक नहीं कहा, तो ये शुरुआत में परिवार, फिर समाज, फिर पूरा देश और फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है। मेरे पास डेटा है कि किस तरह से मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं करने की वजह से जीडीपी पर उसका असर पड़ सकता है, आपके देश की प्रोडक्टिविटी पर उसका असर पड़ सकता है। हमारे पास एब्सेंटीज्म और प्रेजेंटीज्म के कुछ आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि आप इकोनॉमिकली पीछे चले जाएंगे अगर आपने एज अ सोसाइटी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या करना चाहिए और अभी की अप्रोच हमारी कैसी है? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। WHO ने एक एस्टिमेट लगाया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लॉस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एंड दैट इज डिप्रेशन। हमारे यहाँ इंडिया में डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी लीडिंग डिसऑर्डर्स है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 4 में से 1 को सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी होने का मतलब ये है कि वो अपने ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में जाकर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, अपने कस्टमर्स के साथ ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। तो ऑल्दो वो एम्प्लॉयड है पर उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी नहीं हो पाएगी अनटिल देयर कॉन्फिडेंस इज बिल्ट और उनका जो सोशल एंजाइटी है उसको हम ट्रीट करें। तो सीधा असर जीडीपी पर है ही। दूसरा, अगर वो खुश नहीं रहेंगे, उनका परिवार खुश नहीं रहेगा, अगर उनका इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल रेजिलियंस ठीक नहीं है तो सारा परिवार बुझा बुझा सा रहेगा, जिसको हम कहते हैं डीमोरलाइजेशन सिंड्रोम में रहेगा। ऐसे में ना केवल वर्कप्लेस पर बल्कि समाज में, रिश्तों में, हर जगह एंथुजियाज्म और जोश, एनर्जी कम रहेगी। ऐसे में मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट करना केवल एक इंडिविजुअल की हानि नहीं है, पूरा का पूरा ह्यूमन कैपिटल और नेशनल रिसोर्सेज इससे अफेक्ट होते हैं। बहुत ही आयरनिकल बात यह है कि जहां पर हम फिजिकल हेल्थ में अगर हमको जुकाम या खांसी भी होता है तो हम तुरंत किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, आपने कोई दवाई ली या नहीं ली, पर मेंटल हेल्थ का जहां पर जिक्र आता है तो दिनों दिन कोई सोया ना हो, बहुत दिनों तक भी अगर किसी ने खाना नहीं ठीक से खाया हो, कोई ठीक से बातचीत नहीं कर रहा हो, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम सीधा केवल ये बोल देते हैं कि अरे भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसी भी क्या बात है फिकर की। हम उसको ट्रिविलाइज करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। ये आपने सही बोला, ये जो ओवर आप है, इस तरह के केसेस में लोगों को कह दिया जाता है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं सिचुएशन को। ये बहुत बड़ी इशू है। तो इसका मतलब क्या रुबाइना, क्या इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो शायद एक टोकन जेस्चर बनकर रह जाता है सिर्फ ताकि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल साउंड कर पाए कि भैया हमने मेंटल हेल्थ पे बात कर दी, देखो साहब हमने मेंटल हेल्थ पे ये सेमिनार भी अटेंड कर दिया, मैंने एक ट्वीट भी कर दिया, मैंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिख दी। लेकिन मेरे सामने जब एक्चुअल में मेंटल हेल्थ का एक इशू आ रहा है, मेरे सामने कोई मानसिक रूप से परेशान है, तो फिर मैं उसी तरह की अवधारणा अपने मन में रखता हूँ कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन, काम डाउन, ऐसा नहीं होता है, आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। ये क्या सिर्फ एक टोकनिज्म रह गया है मैम क्या?
नमस्कार, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही अभी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ टोकन ही रह गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूंगी मैं इस टाइम सबके साथ कि लोग क्या सोचेंगे इस चीज का प्रेशर लेके। आधी से ज्यादा दुनिया चल रही है इस टाइम। अपने अपने मन को क्या क्या अच्छा लगता है, अपनी ड्रीम्स क्या हैं, अपनी हॉबीज क्या हैं, क्या क्या काम करना चाहते हैं, ये सोच सोच के कि वो क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ क्या बोलेंगे, इस चीज का मेंटल प्रेशर एक डेली लाइफ पर हर इंसान पर इस टाइम आ रहा है। तो मेरी सजेशन अब सबसे ये है कि क्या हम ये सोचना शुरू कर सकते कि हम क्या सोचेंगे अगर हम लोग अपने ड्रीम्स, अपनी विशेस अगर हम फुलफिल करने के लिए एक हम एक्शन लेना शुरू हो जाएं, बिना बिना इस सोसाइटल प्रेशर के, जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक टोकन बनकर आ गया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वाकई में ये एक समझने वाली बात है डॉक्टर ज्योति। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि या तो हम इसको ढंग से समझ नहीं पाए हैं, या जो हमारे एक्शंस हैं वो बड़े इनकंसिस्टेंट हैं। हम शुरुआत में 2-4 दिन बड़ा मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं, और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ना उसको हम उतार पाते हैं। हम बड़े बड़े कैंपेन्स और बड़े बड़े स्लोगन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हम इस तरह के शोज से या इस तरह के इश्यूज पर बनी फिल्म्स वगैरह से बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको उतार नहीं पाते। तो ये गैप कैसे फिल होगा मैम? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये। और दीपक, आपके साथ मैंने और भी प्रोग्राम्स जब भी किए हैं, हमने इस मुद्दे पे काफ़ी डिस्कशन किया है। और मुझे लगता है कि कोई भी बदलाव अगर हमें लाना है किसी समाज में, तो हमें ये चीज़ जो है वो ग्रास रूट पे शुरू करनी है। कहने का मतलब है कि हमें ये जो अवेयरनेस इंट्रोड्यूस करनी है वो स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस करनी है, बच्चों के लेवल पे इंट्रोड्यूस करनी है। बिकॉज़ अगर हम आंकड़े भी देखें तो आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ के शिकार मैक्सिमम लोग हो रहे हैं वो यंग लोग हो रहे हैं। मोस्ट इलनेसेस जो होती हैं उनका जो इंसिडेंस है, उनके होने का जो समय होता है अगर हम क्लिनिकली नापें, तो वो 18 साल से 25 साल के बीच में होता है। और इस दौरान जब हमको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हम 14-15 साल के हैं, हमको प्रॉब्लम हो रही होती हैं, तो हम अपनी बात किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आई थिंक टीचर्स और पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत बार स्कूल्स में और टीचर्स के साथ ये डिस्कशन कर चुकी हूँ कि बच्चों को ये अवेयरनेस देने से पहले, एजुकेट करने से पहले, हमें माता पिता को और अध्यापकों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इस बारे में बात करें ना। कहीं दिमाग में एक लोगों के रहता है कि बच्चे इंटरनेट से सीख रहे हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मुझे एंजाइटी है या मुझे ADHD है क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। तो माता पिता बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसको नेगेटिव वे में ले रहे होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इसने पढ़ लिया इसलिए उसको हो गया। पर सच ऐसा नहीं है। सच ये है कि जब आप कुछ महसूस कर रहे होते हो तो आप जानने की कोशिश करते हो कि मुझे क्या है। और वो जानने के लिए आजकल एक माध्यम है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, वो है। तो अगर कोई आके आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, तो उसे एक्सप्लोर करना, एक्सपर्ट की राय लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर हमें इस चीज़, इस मानसिक स्थिति को, इस मेंटल बिलीफ को बदलना है कि मेंटल इलनेस जो है वो पड़ोसी को ही होगी या फिल्म स्टार को होगी, हमको नहीं होगी, तो हमें इस बिलीफ को बदलने के लिए वी हैव टू स्टार्ट एट द ग्रास रूट। जिसका मतलब है कि हम स्कूल्स में बात करें, हम अभिभावकों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, और साथ साथ बात के साथ साथ हमें स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है ना। ये वाला एक एलिमेंट है जो मैंने अभी रिसेंटली एक दो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस में भी बात की है कि हम जैसे फिजिकल हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो हम एक मेंटल हेल्थ स्क्रीन भी करा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चनर है, कुछ जानकारियां हैं जिससे हमें एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पर्टिकुलर व्यक्ति की वल्नरेबिलिटी आंकी जा सकती है कि हाँ बिल्कुल मैम, इसमें दिमागी तौर पे तनाव सहने की क्षमता कितनी है और क्या किया जा सकता है, और वहाँ से हम इन चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर सकते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, हम बातें करते हैं और फिर उसके बाद जब हमारे साथ कुछ होता है या घर में होता है तो हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं। हम वो शुतुरमुर्ग वाला जो प्रवृत्ति है उससे एब्सोल्युटली हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है।
अच्छा, अगर एक और बड़ा दिलचस्प हम पहलू ये है प्रैक्टिकली इस मैम, पर बात जी करें तो जरूर। एब्सोल्युटली आपने सही बोला, एक और दिलचस्प पहलू इसका ये है पूरी मेंटल हेल्थ का, और खास तौर से मैं जेन जी के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आज हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, हम अरसे से इस पर बातचीत कर रहे हैं, और थोड़ा सा आज हम चेक ये कर रहे हैं कि काफी अरसे से मेंटल हेल्थ पर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन क्या हम मेंटल हेल्थ को सही मायनों में समझ भी पाए हैं? जो हम मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए जो अप्रोच अपना रहे हैं, क्या वो वाकई में प्रैक्टिकल है या नहीं है? और इसके अलग अलग पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, अब देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कोई स्पिरिचुअल है या नॉन स्पिरिचुअल है या नहीं है, किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं। मैं सिंपल एक मैं इनको सबको समअप करूं तो किसी ना किसी रूप में फिलोसफिकल टीचिंग्स ही आती हैं। हर किसी की अपनी अपनी फिलोसफी होती है, लेकिन क्या ये फिलोसफिकल टीचिंग्स टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है? क्या ये मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए स्टिग्मा को एड्रेस करती हैं? और क्या ये आदमी को फिर से अकेला छोड़ देते हैं? जब तक ये फिलोसफिकल टीचिंग्स हमें मिल रही हैं, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसी बाहर आए फिर अकेले। बहुत ही अच्छा आपने सवाल, और मैं इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी दीपक जी, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक अलग से पूरा एपिसोड होना चाहिए। एब्सोल्युटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कह रहे हैं उसको हम कह सकते हैं विजडम। विजडम इज कंप्लीटली डिफरेंट देन एम्पेरिकली एविडेंस बेस्ड साइंस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इसमें कौन सी चीजें किस विकार के वक्त काम आती हैं ये पूरा एफिकेसी स्टडीज के द्वारा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के द्वारा हम स्थापित करते हैं। जब हम बिना उसकी जानकारी के जो हमें समझ में आ रहा है उसको हम प्रोपगेट करते हैं एज इफ इट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ और ये बिल्कुल पैनेशिया है, तो हम बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बातें बोलना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स बता देना, एनेक्डोट्स बता देना, ये एक हद तक काम करेगा। जहां तक आप कह रहे हो कि ये एक विजडम है जो किसी के भी कभी भी काम आ सकती है, एब्सोल्युटली पर जब हम मेंटल इलनेस की, मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो ये काम आने वाली बातें नहीं है। और हम लोग भावुक होकर फॉलोअर्स के पीछे भागने लगते हैं, अरे उन्होंने ये तो बहुत अच्छी बात करी, ये करी वो करी, पर ये जो बातें सुनने तक सीमित रह जाती हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने का, द हाउ, द प्रोसेस ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ये अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से ये कारगर नहीं होती। यानी कि कुछ वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी जरूर ऑफर करती हैं इस तरह के फिलोसॉफिकल टीचिंग्स, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन हो। डॉक्टर ज्योति, अक्सर हम मेंटल हेल्थ को जोड़ देते हैं, जैसा मैं इसी के कॉन्टिन्यूशन में बात कर रहा हूं, कि उस व्यक्ति ने ये मकाम हासिल किया, उसने कौन सा रास्ता अपनाया, अगर मैं वो रास्ता अपना लूं तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान कहलाऊंगा। और शायद हम सक्सेसफुल हो जाने को ही मेंटल पीस मानने लगते हैं। ये बहुत बड़ी धारणा है आजकल, जो सक्सेसफुल है वही शांत है, उसी के मन में सब कुछ निर्विकार भावनाएं हैं और शांति चल रही है। ये धारणा आपको कैसी लगती है? सबसे पहले तो दीपक, मैं बहुत सहमत हूँ डॉक्टर चारू ने जो अभी बात कही है कि जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो एक टर्म आने लगी है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मतलब हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पॉजिटिव पे कि ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए, और वहाँ पे कई लोग जो उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं वो और ज़्यादा डिस्करेज होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हेल्थ जो है वो एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल है जो चाहे वो मेंटल है। और हमारे को जब वेलनेस की हम बात करते हैं वो एक स्पेक्ट्रम पे है, किसी को कम तकलीफ है, किसी को ज़्यादा तकलीफ है, किसी की तनाव सहने की क्षमता कम है, किसी की तनाव सहने की क्षमता बेहतर है, किसी के जेनेटिक कंपोनेंट्स बहुत स्ट्रांग है, किसी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिव हैं।
तो इसके चलते जो आप सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या इस मामले में हम किस चीज़ को हम एक्नॉलेज करें ताकि हम ना सिर्फ बात करें बस उसका हम पे प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी करें, तो उसमें मैं इम्पॉर्टेंट मानती हूँ इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम सारी अप्रोचेस को मिला के चलने की अगर कोशिश करते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल है, रादर देन कि हम एक स्पेसिफिक एरिया को पकड़ के बोलें कि जो मेरे को पता है वही सही है और जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। तो ये जो एक अप्रोच है, रिजिड अप्रोच बोल लीजिए, या एक अपने एब्सोल्युटली आप को ही सर्वे सर्वा मानने की अप्रोच जो है वो नुकसान करती है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, किसी भी के भी पास सारे सॉल्यूशंस नहीं हैं, लेकिन एब्सोल्युटली अगर हम अपने मन को अपने माइंड को ओपन रखें तो हम सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर हो सकते देखिए, हैं। ये इसलिए बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि जेंजी की जो हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं, रिसर्चेस आए हैं कि पूरी की पूरी एक जनरेशन को शायद हमने फेल कर दिया। उनको ये जो सोशल मीडिया का एक परफेक्ट जो लाइफ नज़र आती है और उनको लगता है कि जो हम सामने देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे वही परफेक्ट है और हम वो परफेक्शन के साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे, इसलिए हम फेल हो रहे हैं और एक मेंटल ट्रैप में वो फंस रहे हैं। और शायद इसीलिए न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है जो कहती है, एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं कि साहब हम जेंजी की जनरेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे, इट इज़ द हार्डेस्ट जनरेशन टू वर्क। तो हम अपना पूरा फ्यूचर सिर्फ मेंटल हेल्थ की सही परिभाषा को समझ नहीं पाने के कारण एक पूरा फ्यूचर हम खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिन पर्सपेक्टिव से हमें मेंटल हेल्थ को समझना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कुछ बातें करना अभी बाकी है, लेकिन सेरिमोनियल ना हो, वो बातें ऐसी ना हो जिसमें सोशल सपोर्ट लैक करता हो। एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि वन ऑन वन इशू नहीं है ये मेंटल हेल्थ का, इसके लिए आपको एक सोशल सपोर्ट चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके इन्फ्लुएंसर हैं, गुरु हैं या फिर आपके डॉक्टर क्यों ना हो। वन ऑन वन इशू नहीं है, एक पूरा जब तक सोशल सपोर्ट का इकोसिस्टम नहीं बनेगा मेंटल हेल्थ का इश्यू शायद हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति कपूर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ रुबाइना सिंह भी जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, नमस्कार।